Most welcome, my friend. We are coming back again. The test set rate utilization test. ये किस प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है और कौन कौन से बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है. वी ऑल नो द इंडोल मेथेनॉल रेड वोगस प्रोस्कर एंड सेट्रेट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टेस्ट फॉर द डिफ्रेंशिएशन इन द एंटरोबैक्टीरियसी फैमिली. तो उसमें एक टेस्ट इन चारों में जो एमविक टेस्ट है उसमें एक सेट्रेट टेस्ट होता है. उसका क्या रोल्स है, क्यों यूज किया जाता है, हम आज इस पर डिस्कशन करेंगे. साइट्रेट को यूज करते हैं कार्बन के सोर्स के रूप में बैक्टीरिया बहुत सारे, और ये डिफ्रेंशिएट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, क्योंकि ये जो इनविक टेस्ट है एंडोल मिथाइल रेड वोगस प्रोस्कर एंड साइट्रेट टेस्ट, ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया, टेस्ट किया गया कि जो ये एंटरोबैक्टीरियसी फैमिली है, ग्राम नेगेटिव फैमिली, इसके डिफ्रेंशिएशन के लिए स्टेप वाइज. तो उसमें जो साइट्रेट टेस्ट है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अलाउ स्पीसीज लेबल का जो डिफ्रेंशिएशन है इंटरबैक्टीरियसी में, उसी को यहाँ पर डिस्कशन करते हैं इस टेस्ट को यूटिलाइजेशन करने के बाद. कौन कौन से बैक्टीरिया जो साइट्रेट पॉजिटिव साइट्रेट नेगेटिव टेस्ट देते हैं, उसमें सम एग्जाम्पल्स हैं कुछ से. इसमें साल्मोनेला आता है स्पीसीज, एंट्रो एडवर्डसेला आता है, साइट्रोबैक्टर्स आता है, क्लैपसेला आता है, एंट्रोबैक्टर आता है, सेरेशिया आता है, प्रोविडेंसिया आता है जाकर, जो कि ग्राम जो कि पॉजिटिव टेस्ट साइट्रेट का देते हैं जाकर, जो स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होने के बावजूद ये नेगेटिव टेस्ट देते हैं, एसर्चिया कोलाई इसमें सबसे प्रोमिनेंट है, साइजेला है, मॉर्गनेला है जाकर, एसरसीनिया है जाकर, जो कि साइट्रेट नेगेटिव टेस्ट देते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आइडेंटिफाई और डिफ्रेंशिएशन करने के लिए एंटरोबैक्टीरियसी के लिए. अब इसमें सबसे पहले आते हैं कि इसमें किस तरीके से यूज किया जाता है. साइमन साइट्रेट एक अगार मीडियम होता है, इसे साइमन साइट्रेट टेस्ट भी इसीलिए बोला जाता है जाकर. उसमें साइट्रेट को यूज करते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में जाकर. और जो मीडियम्स होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी यूज किया जाता है एज ए सोर्स के रूप में फॉर नाइट्रोजन्स के लिए बैक्टीरिया के लिए. ऑर्गेनिज्म व्हिच गिव द पॉजिटिव टेस्ट बाय फर्मेंटेशन ऑफ द साइट्रेट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द साइट्रेट एंजाइम सिट्रेट एंजाइम्स सिट्रेज एंजाइम्स. सो यू वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई द बैक्टीरिया यूज दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिट्रेज एंजाइम्स. और जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं एंट्रोबैक्टीरियोसी के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसमें हम देख सकते हैं किस प्रकार से कलर चेंजेस होता है. अगर जो मीडियम होता है ये ग्रीन कलर का मीडियम्स होता है जाकर, और इस मीडियम्स के साथ ब्लू कलर चेंज हो जाना ही इसका स्पेसिफिक टेस्ट होता है जाकर. अब आते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल्स पे. साइट्रेट का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरीके से बैक्टीरिया इसको यूटिलाइज करता है, और किस तरीके से साथ हम इसको यूज करते हैं डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इंट्रोबैक्टीरियसी में. साइट्रेट अगार यूज्ड फॉर दिस ऑर्गेनिज्म इज यूटिलाइजेशन फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी. इसका जो पहला होता है क्योंकि साइट्रेट यूज कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ द साइट्रेज एंजाइम्स. अगार मीडियम साइट्रेट करता है सोल सोर्स कार्बन के रूप में, जबकि उसके साथ एक और कंपाउंड्स होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सल्फ जो नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है. ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडिकेट यूटिलाइजेशन ऑफ साइट्रेट एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द क्रैब्स साइकिल. क्रैब्स साइकिल में जो साइट्रेट होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है. हमें पता होता है साइट्रेट का यूटिलाइजेशन क्रैब्स साइकिल में किस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पर भी साइट्रेट बैक्टीरिया अपने एनर्जी सोर्स के रूप में यूज कर रहा है जाकर. एंजाइम साइट्रेज ब्रेक द साइट्रेट इंटू ऑक्सलो एसिटेट एंड एसिटेट, और ऑक्सलो एसिटेट फर्दर ब्रेक डाउन होता है जाकर पायरुबेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. तो हमें ये एक रिएक्शन से जैसे कि क्रैब्स साइकिल में देखते हैं कि साइट्रेट का किस तरीके से ऑक्सलो एसिटेट और एसिटेट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ साइट्रेज एंजाइम्स उस साइट्रेट को यूटिलाइज करता है और ब्रेक डाउन करता है ऑक्सलो एसिटेट एंड साइट्रेट में एसिटेट में. जो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो साइट्रेट के एसिटो एसिटेट के बाद, वो इंड्यूस करती है अमोनियम साल्ट को, और वहां पर फॉर्मेशन करती है जाकर सोडियम कार्बोनेट, बोथ बिकम द इंक्रीज अल्कलिनिटी. जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो अमोनियम साल्ट जो प्रेजेंट है मीडियम में उसके साथ रिएक्शन करती है और अल्कलिनिटी को बढ़ाती है जाकर. और ये ओवरऑल पीएच होता है 7.6 पर वर्क कर रहा होता है. ब्रोमोफिनाल ब्लू इंडिकेटर के साथ हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर ये रिएक्शन प्रॉपरली हो रही है तो फिर ग्रीन कलर से ब्लू कलर चेंज हो जाएगा जाकर. अब साइट्रेट का ऑक्सलो एसिटेट एंड पाइरुविक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक रिएक्शन होती है जो भी चेंजेस होते हैं जब इसका यूटिलाइजेशन होता है जाकर.
एक्सेस ऑफ सोडियम विद सोडियम साइट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, यही रिएक्शंस का चेंजिंग करता है जाकर ग्रीन कलर से ब्लू कलर में चेंजेस है। ग्रोथ विल बी मीडियम चेंजेस एंड विल बी द पार्शियल टेस्ट ऑफ दिस। अब इस चीज़ को आते हैं हम देखते हैं कि प्रोसीजर कैसा होता है, किस तरीके से हम लैब में इस चीज़ को यूज कर सकते हैं जाकर। प्रिपरेशन सबसे पहले हमें मीडियम का बनाना होता है कि मीडियम वो आप जनरली जाके आप जो लैब मैनुअल होती है वहाँ से मीडियम के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से लैब अगार बनाना है उसको यूज कर सकते हैं जाकर। यहाँ पर 24.28 ग्राम्स आप डिहाइड्रेटेड पाउडर जो भी मीडियम्स का है उसके साथ यूटिलाइज करते हैं। डी आयोनाइज्ड वाटर ऑलवेज यूज फॉर दिस केयर करने के लिए। सोल्यूशन इज हीटेड टू ब्रिंग द बॉयल ऑर्डर टू डिजॉल्व प्रॉपरली, बहुत अच्छे से इसको बॉयल करते हैं ताकि प्रॉपरली मिक्स हो सके जाकर, और फिर डिजॉल्व करते हैं जाकर। डिस्पेंस ट्यूब्स लेते हैं जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होती हैं उसमें प्रॉपरली कर डालने के बाद मीडिया, और इसको हम ऑटोक्लेव करते हैं जाकर 15 LBS प्रेशर पर यानी कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट के लिए। वंस ऑटोक्लेव हो जाता है प्रॉपरली फिर हम इसको रख देते हैं जाकर क्लूल होने के लिए 45 to 40 डिग्री टेम्परेचर के लिए। उसके बाद हम इसको जो स्लांट बनाते हैं स्लांट में उसकी डेप्थ इतनी ज़रूर होनी चाहिए 1.5 से 2 सेंटीमीटर की डेप्थ जब हम इसमें इनोकुलेशन करें जाकर। अब यूटिलाइजेशन टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर सब ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो मीडियम्स होता है कल्चर मीडियम्स उसको कल्चर यानी कि 48 आवर होना चाहिए स्टराइल लूप के साथ वहाँ से उसको लेके, और इस स्लांट्स में प्रॉपरली हम स्ट्रिकिंग करते हैं सरफेस के साथ, और फिर स्टिक करने के बाद इनोकुलेट जो भी प्रॉपरली हो चुका होता है कैप लगा के उसको लूजली बंद कर देते हैं और इनोकुलेट एरेशन ताकि जाता रहे, इतना भी टाइट नहीं हो कि एयर ना जा सके। तो ऐसा एयर बना के जो हमारा टाइट करते हैं ना उसमें लगा के टेस्ट ट्यूब्स को प्रॉपरली, और इसको 4 डे के लिए इनक्यूबेशन पीरियड में डाल देते हैं 35 to 37 डिग्री टेम्परेचर के लिए। फिर चौथे दिन हम ऑब्जर्व करते हैं अगर कलर चेंज हो रहा है तो फिर दैट्स गुड, नहीं हो रहा तो नेगेटिव रजिस्ट करते हैं जाकर। सो इस तरीके के साथ यूटिलाइजेशन करते हैं और साइट्रेट का जो मीडिया है उस तरह से फॉर्मेशन करते हैं। क्वालिटी के लिए हम साइमन साइट्रेट जो भी साइमन साइट्रेट मीडियम यूज कर रहे हैं जाकर उसका ग्रीन कलर स्लांट सी बनना चाहिए, वो हमें एकदम प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लेना चाहिए किस तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। बहुत सी चीज़ों का और भी प्रॉपरली हम मेजर करते हैं कि फ्रीजिंग कैसा, कंटामिनेशन कुछ ना हो, क्रैकिंग ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, बबलिंग ना हो, जब मिक्सिंग प्रॉपरली कर रहे हैं जाकर उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट किस कंट्रोल्स के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हमें कैसे पता लगेगा ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कंट्रोल के लिए क्लेब्सिला निमोनी को यूज करते हैं जाकर, जबकि नेगेटिव कंट्रोल के लिए हम एसर्जिया कोलाई को यूज करते हैं जाकर। पॉजिटिव टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कलर चेंजिंग ऑलरेडी, तो ग्रीन से ब्लू कलर का चेंजेस होना ये शो करता है। अगर नेगेटिव टेस्ट आ रहा है तो फिर नो ग्रोथ हो रही है, नो कलर चेंज हो रहा है, नो साइट्रेट का यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पर एक हम एग्जांपल वाइज दे रहे हैं जाकर एसर्जिया कोलाई को लिए, एसर्जिया कोलाई नेगेटिव टेस्ट देता है, ग्रोथ इनहिबिट रहती है, कोई ग्रोथ इस मीडियम में नहीं होती है। एंट्रोबैक्टर एरोजेंस गुड ल्यूमिनेसेंस ग्रोथ होती है, पॉजिटिव चेंज कर रहा है जाकर। साल्मोनेला एंटेराइटिस होता है जाकर वो भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम्स वो भी ग्रोथ बेटर कर रहा है जाकर। स्लाइजिला इनहिबिट करता है जाकर। तो ये एक ओवरऑल एग्जांपल है 5 बैक्टीरियाज का मैंने यहाँ पर दिया है, आप इसको देख सकते हैं जाकर। और इस जो टेस्ट है साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट इसके बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं जाकर, अच्छी ग्रोथ हो विदाउट एनी चेंजेस कलर हो तभी ये पॉजिटिव टेस्ट शो करने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जाकर। नेगेटिव टेस्ट कलर चेंजेस होना बहुत ही जरूरी है जाकर, क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम साल्ट के साथ फॉर्मेशन बनाना वो रिप्रेजेंट करता है जाकर कलर चेंजेस के लिए। टेस्ट इक्विवेलेंट होते हैं और भी बहुत स्लांट प्रॉपरली अच्छे से स्टेप्स होने चाहिए, उनके बीच डिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए, और जो हम इनोकुलेशन करने के बाद इनक्यूबेट करने एरेशन का मीडियम भी अच्छा होना चाहिए जाकर। इनोकुलेशन विल बी डन प्रॉपरली एंड दिस थिंग्स, ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रताप करते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं क्या नहीं है जाकर। होप यू लाइक माई दिस बायोकेमिकल सीरीज या माइक्रोबायोलॉजी, और अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।